75 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने के बाद भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। मंदिरों में सरकार के नियमों का लगातार पालन किया जा रहा है। भक्तों को सैनिटाइजेशन के बाद ही भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही मास्क पहनकर आना और ग्लव्स पहनकर आना भी जरूरी है। तो आज से तमाम धार्मिक स्थल जरूर खोल दिए गए हैं। हालांकि कुछ बड़े धार्मिक स्थल जो हैं अलग अलग राज्यों के, उनको राज्य सरकारों ने बंद रखने का फैसला लिया है। कुछ राज्यों में धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट होटल्स को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन जिन राज्यों में धार्मिक स्थल खुले हैं वहां पर सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन तमाम एहतियातों का ख्याल रखा जा रहा है, तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही भक्त प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से, बेंगलुरु, दिल्ली और देश के कई हिस्सों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में और दर्शन कर रहे हैं। गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं, मस्जिद खुले हैं। आज मस्जिद में भी सुबह सुबह नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। तो आज से अनलॉक वन की शुरुआत हुई है। इस चरण में काफी कुछ छूट दी गई है, यानी कि कई ऐसी जगहें, कई ऐसी चीजों को खोलने की इजाजत दी गई है जो 75 दिन से बंद थे, जैसे कि धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इनको खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन तमाम नियम और शर्तों के साथ इन जगहों पर आप पहुंच पाएंगे, और अगर आप धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है। मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक अलग अलग मंदिर में श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और नियम कायदों का ध्यान रखते हुए भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। दूरी पर लाइन में लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, और अंदर जाने की इजाजत तभी दूसरे व्यक्ति को मिलती है जब एक व्यक्ति दर्शन करके निकल जाता है। आपको दो और तस्वीरें हम दिखाते हैं। उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस तरीके से धार्मिक स्थल खुलने के बाद भक्तों के लिए इंतजाम किया गया है। और बेंगलुरु की भी तस्वीर देखिए, यहां पर डोडा गणेश मंदिर को खोला गया तो सुबह सुबह भक्त पहुंच गए दर्शन करने के लिए। पूजा अर्चना के बाद भक्तों को दर्शन की इजाजत दी गई। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाकाल की पूजा की जा रही है और भक्तों को भी महाकाल के दर्शन होंगे। 75 दिन के बाद धार्मिक स्थलों को खोला गया है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, क्या चहलकदमी नजर आने लग गई है? दिनों बाद का पाठ खोले गए हैं। मंदिर की अपनी ही एक अलग मान्यता है। ये कहा जाता है कि रावण के पिता विश्वेश्वरा यहाँ पर खुद जलाभिषेक करने के लिए आते थे। और तस्वीरें सीधा मैं आपको दिखा दूं, सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है और पांच पांच श्रद्धालुओं को बारी बारी से मंदिर के मुख्य गेट से अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद जो गर्भगृह है वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग बाबा दुधेश्वर के दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करने के बाद दूसरे कपाट से उनको बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कतार यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो SOP है, जो गाइडलाइंस है, उनका पूरी तरह से पालन यहाँ पर किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कितने दिनों बाद यहाँ पर आए हैं और कैसा लग रहा है अब बाबा के दर्शन होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती है। कब से, कितने दिनों बाद आज मंदिर का पाठ खुले हैं और कैसा लग रहा है आज आप दर्शन करने आए हैं? 2 महीने बाद दर्शन करने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस भोले बाबा को बस देखती रहूँ। लग रहा है कि इस कोरोना काल से भारत को निजात मिल जाएगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे।
मुझे तो लगता है, मुझे भोले बाबा का मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे लगता है कि सब चीज़ से ये कोरोना मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, भक्तों की आस्था भी है, जो कोरोना संकट पूरे भारत पर चल रहा है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज बाबा के दर्शन करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, करीब लगभग 70-75 दिन बाद आए हैं तो ऐसा लग रहा है जन कितने दिन बाद हो गए, कई साल हो गए भोले के दर्शन करे। बिल्कुल, भक्त अपने जो इष्ट हैं उनसे काफ़ी दिन दूर रहे हैं इस बार। हाँ भैया, बहुत दिन दूर रहे हम तो। भक्तों को अच्छा लग रहा है, मैं आपको बाबा के दर्शन भी करा देता हूँ, लाइव दर्शन। दुदेश्वरनाथ बाबा के गर्भगृह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा दुदेश्वर को एक लकड़ी के बॉक्स से चारों तरफ से कवर किया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु उनको स्पर्श ना कर सके, इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। और मंदिर की मूर्तियों को भी स्पर्श ना करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप सीधे दर्शन कर सकते हैं बाबा दुदेश्वर के। आप देखिए, दुदेश्वरनाथ बाबा को यहाँ पर जला अभिषेक यहां पर किया जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं से यह अपील की जा रही है, जो कलश ऊपर लगाया गया है उसी में ही अपना जल अर्पित करें और बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु 5:30 बजे से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर लंबी कतार आज गाजियाबाद के दुदेश्वरनाथ मठ मंदिर में देखी गई है और सभी श्रद्धालुओं से इस बात की अपील भी की जा रही है, जो नियम कानून है आप मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजर टनल भी मंदिर के अंदर लगाया गया है, सभी से होकर गुजारा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, वहां की तस्वीर भी दिखाइए, क्या वहां के मंदिरों में भी इसी तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? बिल्कुल, देखिए पटना का महावीर मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और लोगों को इंतजार था महावीर के दर्शन करने के और भगवान के दर्शन करने के लिए, बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। लोगों का काफिला लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है, लगातार लोग कतारबद्ध होकर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है, जो पंडित यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने हाथ में मास्क लगाया हुआ है, सर पे उन्होंने कैप लगाया हुआ है और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तमाम व्यवस्थाएँ मंदिर में की गई। आप देखिए घंटी को यहाँ पर बांध के रखा गया है ताकि कोई घंटी यहाँ पर ना बजाए, घंटी बजाने पर रोके, किसी को घंटी को स्पर्श नहीं करना है। मंदिर के अंदर भी जो पूरे मंदिर के प्रांगण है इसको अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा गया है ताकि जो लोग भी आए वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बैठे। जो लोग यहाँ पाठ कर रहे हैं वो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं और जगह जगह ब्लॉक्स हैं उसी में लोगों को रहना है। इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि जो लोग भी आए उनमें कोई परेशानी ना हो और लोग बेहतर तरीके से यहाँ पूजा कर सके। हमारे साथ किशोर कुणाल हैं जो कि मंदिर के प्रबंधक हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं। सर, ये खास व्यवस्था आज से शुरू हो गई है, 70 दिनों के बाद मंदिर खुला है और पहले 5 बजे खुलता था, आज से 6 बजे खुला है और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उनका सबका पालन किया जा रहा है और भक्त लोगों का जहां संपर्क हो सकता है, संसर्ग हो सकता है, उन सब स्थानों को अवॉइड किया गया। जैसे देख रहे हैं घंटा बजाने में हर आदमी छूता है, घंटों पर भीड़ को नहीं आने देना है, कतार में ही लोग आएंगे जब आएंगे। हाँ, कतार में ही आएंगे और भीड़ को तो 5 दिनों में बांट दिया गया है कि आपको अमुक दिन आना है, आपको अमुक दिन आना है, आपको अमुक दिन आना जी, ताकि सोशल दूरी का पालन किया जाए। 5 दिनों में यहाँ पर देखिए एक व्यवस्था जो की गई वो ये है कि अल्फाबेटिकल तरीके से लोग आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जी मनीष चौरसिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीश बने रहिए। मनीष, दिल्ली में हमने देखा कई मंदिर खुले, सुबह सुबह भक्तों की लाइन भी दिखाई दी, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पास ही नोएडा है और नोएडा का साई मंदिर है जो कि बहुत ही मशहूर मंदिर है। आम दिनों में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, लेकिन नोएडा वालों के लिए एक बुरी खबर ये है कि आज फिलहाल आप लोग को साई बाबा के दर्शन नहीं होंगे, आज मंदिर को नहीं खोला जाएगा। हालांकि गाइडलाइंस इनको मिल चुकी हैं और इनका यहाँ पर कहना है कि वो 2 दिन बाद ही मंदिर यहाँ पर खोलेंगे। हालांकि कुछ भक्त हैं जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है क्योंकि मंदिर को अभी तक खोला नहीं गया है। कम से कम 2 दिन मंदिर 2 दिन बाद ही मंदिर को खोल पाएंगे, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। नीचे आप देखिए कि मंदिर के बाहर स्क्वायर बना दिए गए हैं और तय कर दिया गया है कि जो भी आएगा उसको इन्हीं स्क्वायर्स में खड़ा होना है। एक बार में 5 ही लोग अंदर जाएंगे, अंदर भी आप देखिए जो मनीष ये बताइए कि कब से नोएडा में मंदिर कब से खुल गया है और अंदर भी
देखिए परमिशन दे दी गई है, लेकिन साईं मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर नोएडा का माना जाता है, उसे आज परमिशन नहीं दी गई है। मतलब परमिशन को मिली हुई है, लेकिन वो आज नहीं खोल रहे हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि उनको लगता है कि वो पहले माहौल देखेंगे, भीड़ देखेंगे, उसके बाद उन्हें अपने यहाँ जो तैयारियाँ करनी है उसका जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही मंदिर को खोला जाएगा। तैयारी शुरू हो चुकी है, कर्मचारी आ रहे हैं, साफ सफाई शुरू हो गई है, स्क्वायर बनाए जा रहे हैं जहाँ लोगों को खड़े होना है, सैनिटाइजर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मंदिर के द्वार आज नहीं खुलेंगे। साईं बाबा के दर्शन के लिए अभी भक्तों को और इंतजार करना होगा। ठीक है, निखिल हमारे साथ लखनऊ से हैं, लखनऊ की भी तस्वीर दिखाइए निखिल, और वहां पर क्या व्यवस्था है वो भी बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर पर मौजूद हूं और तमाम भक्त जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए मंदिर को खोल दिया गया है। सुबह से ये मंदिर खुला हुआ है और जगह जगह ब्लॉक्स बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिक संख्या में मंदिर परिसर में न पहुंचे। इसके साथ ही तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, सभी आने वाले व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है और उसके बाद उसे सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उसके बाद ही कोई इस मनकामेश्वर मंदिर में प्रवेश कर सकता है। माइक से इस बात का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। सुरक्षा कर्मी भी मुस्तैद है कि मंदिर परिसर में किसी भी स्थिति में भीड़ इकट्ठा ना होना पाए, इस जिम्मेदारी के तहत तमाम सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं। सुबह से ही भक्त यहाँ इकट्ठा हुए थे और धीरे धीरे जब मंदिर खुला तो लोग अंदर दर्शन करने के लिए जाने लगे। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भक्तों को ये भी समझा रहे हैं कि 5 से ज़्यादा लोग मंदिर में इकट्ठा नहीं होंगे, यानी जैसे जैसे लोग दर्शन करके बाहर निकलेंगे वैसे ही बाहर से लोग अंदर की तरफ जाएंगे, तो तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसके साथ ही इस मनकामेश्वर मंदिर में किसी भी तरफ के प्रसाद को लाने की अनुमति नहीं है। उसके साथ ही जो जलाभिषेक किया जाता है, खास करके चूंकि भोलेनाथ का मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, तो उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। लगातार माइक से इस बात के अनाउंस किया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले भक्त किसी भी स्थिति में बिना मास्क के प्रवेश न करें। सुरक्षाकर्मी जो है ये भी इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि बिना मास्क के कोई भी अंदर न जाए, जो भी जाने का प्रयास कर रहा है उसे रोका जा रहा है। तो लखनऊ के जो मंदिर है वो खोल दिए गए हैं, मस्जिदों में भी नमाज पढ़ी गई है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसे पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। अनलॉक 1 की शुरुआत आज से हो रही है और आज तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, रेस्टोरेंट और होटल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। अलग अलग शहरों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थल पर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन नियम कायदे के साथ उन्हें दर्शन की इजाजत दी गई है। आपको सीधे लेकर चलते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में इस वक्त क्या कुछ बदल गया है लॉकडाउन के बाद। पहली बार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं विशाल। विशाल जरा बताइए कि आज क्या नई तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो नई गाइडलाइन आई है और जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की बात की गई है, अगर पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो है धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक फिलहाल धार्मिक स्थलों को नहीं खोला गया है, और अभी हम चंडीगढ़ में एक मंदिर में हैं, मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। हालाँकि जो भक्त हैं वो बहुत कम जो है वो मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महामारी चली हुई है तो कहीं ना कहीं भक्तों की जो कमी है वो महसूस यहाँ पर की जा रही है। इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी गई है उसका पालन यहाँ पर बखूबी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम, चाहे शिवालय है, चाहे साईं मंदिर है, चाहे हनुमान मंदिर है, तमाम मंदिरों के बाहर जो घंटी लगी थी उनको बिल्कुल हटा दिया गया है। साथ में जो आप जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपका थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, आपको हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो जूते भी आपके बाहर उतारे जाएंगे और उसी के बाद मंदिर में जो है प्रवेश किया जाएगा। तो तमाम जो गाइडलाइन है उसको यहाँ पर अपनाया जा रहा है। साथ साथ जो मंदिर के लोग हैं या जो यहाँ पर भक्त आए हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरह की गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।